Hello students, thanks for visiting. Can I teach you learning center for all? इस पर हम लोग सभी मैथ्स और फिजिक्स की हाई स्कूल से लेके ट्वेल्थ तक या नाइन्थ से लेके ट्वेल्थ तक मैथ्स और फिजिक्स पढ़ेंगे. आज हमारा मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को रीड करेंगे. देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं. चलिए देखते हैं. पहली हेडिंग है जैसे कि लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. अ पॉलिनोमियल्स विच हैव टू पावर्स आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. अ पॉलिनोमियल विच हैव टू पावर्स आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिस पर दो घातें होती हैं उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं. किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसमें दो घातें होती हैं उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं. एग्जांपल्स देख लेते हैं. 2x² + x - 7. एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे हम लोग. अ पॉलिनोमियल विच हैव टू पावर्स आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. क्या कह रहेगा? कितनी पावर्स होनी चाहिए? टू पावर होनी चाहिए. तो एग्जांपल्स फिर से देखते हैं. क्या हमारे एग्जांपल्स में पावर्स टू हैं? चलिए देखते हैं. 2x² + x - 7. क्या इसमें पावर्स टू हैं इस एग्जांपल्स में? जी हाँ, इसमें इस इक्वेशन में एक्स की पावर कितनी है? स्क्वायर है. टू पावर्स है. कितनी पावर है? दो घाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि द्विघात बहुपद. अगला एग्जांपल देखते हैं. √3x² - 2x + 4. क्या ये डेफिनेशन से जो कंडीशन मिली है वो फॉलो कर रहा है? अ पॉलिनोमियल विच हैव टू पावर्स आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. तो क्या इसमें टू पावर्स है? कौन बताएगा? जी हाँ, इसमें टू पावर्स है. तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा. जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वैसे ही ये भी होगा. अगले एग्जांपल्स में देखते हैं. 3x² + 4x - √7. क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है? द्विघात बहुपद है. जी हाँ, ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें पावर्स कितनी है एक्स पर? टू पावर है. अगर सिंगल पावर होती या थ्री पावर होती तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता? जी हाँ, बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं होता. लेकिन अभी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है उससे पता चल रहा है. अ पॉलिनोमियल विच हैव टू पावर्स. कितनी पावर होनी चाहिए? टू पावर होनी चाहिए. इस एग्जांपल्स पर कितनी पावर्स हैं? टू पावर है. तो ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है. अगले एग्जांपल्स को कौन बताएगा? चलिए देखते हैं. 4x + 12. क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है? द्विघात बहुपद है. जी हाँ, ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि इस पर पावर कितनी है? सिंगल पावर है. और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में कंडीशन क्या दी गई है? अ पॉलिनोमियल विच हैव टू पावर्स. कितनी पावर होनी चाहिए? टू पावर होनी चाहिए. यहाँ पर कितनी पावर है? सिंगल पावर है. तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है? जी हाँ, बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है ये. आगे देखते हैं. नोट एक इसी से रिलेटेड. अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर ऑल्सो रिप्रेजेंट एज पी ऑफ एक्स. द्विघात बहुपद को पी ऑफ एक्स से भी प्रदर्शित करते हैं. चलिए देखते हैं एग्जांपल से. p(x) = 2x² + 4x + 2 = 0. तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है इक्वेशन? जी हाँ, क्योंकि इस पर कितनी पावर्स है? टू पावर्स है. तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है. और आगे क्या कह रहे हैं? वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो. क्या कह रहे हैं? ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. क्यों कह रहे हैं? इसको हम लोग चेक कर लेंगे अभी. और ए बी सी बिलोंग्स टू आर. ए बी सी जो है रियल नंबर होने चाहिए. क्या होने चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए. माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कोई भी संख्या ले सकते हैं. जैसे हम लोग एग्जांपल्स के तौर पर देख लेते हैं. -10, -9, -8 एंड सो ऑन. और आगे बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 10 तक जा सकते हैं. और
आगे पॉजिटिव कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए, कंडीशन ये है, ठीक है। और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं एक बार चेक कर लें, ए अगर जीरो होता है तो क्या होता है, क्यों नहीं होना चाहिए भैया, देखते हैं एक बार। तो पी ऑफ एक्स ऐसे ही, एक बार हम लोग थोड़ा जनरल इक्वेशन देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म है ये, ठीक है। इसी से रिलेट करते हैं आगे, हम लोग ए को जीरो रखेंगे, यहाँ ए कितना है, ए इज इक्वल टू टू था, हम लोग क्या चाहते हैं, ए इज इक्वल टू जीरो रख कर देखें, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल सपने से लेते हैं और ए को जीरो के बराबर रखते हैं, तो ए इज इक्वल टू जीरो ले रहे हैं हम लोग, और बी को फोर ही ले लेते हैं जैसे ऊपर दिया है, बी इज इक्वल टू फोर कॉमा सी इज इक्वल टू जैसे टू दिया वैसे ही टू ले लेंगे, तो करके देखते हैं, ठीक है। ए की जगह कितना रखना है हम लोग को, जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है, फोर लिया हम लोग ने और मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी की जगह टू लिया है, तो टू ऐसे ही बराबर जीरो। तो जीरो को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। और प्लस ऐसे ही फोर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स प्लस टू ऐसे ही बराबर जीरो। तो देखते हैं फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, कौन बताएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। जी हाँ, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इसमें पावर्स कितनी है, सिंगल पावर है, और जबकि कंडीशन क्या है हमारी, पावर्स कितनी होनी चाहिए, पावर टू होनी चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। एक बार और हम लोग इसी में थोड़ा देखते हैं पी ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पी ऑफ एक्स से भी प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, वेयर क्या कह रहे हैं, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ए बी सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, यानी कि ए बी सी वास्तविक संख्या को बिलोंग करने चाहिए। तो हम लोग ने इसको इससे रिलेट किया, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हम लोग आगे डीप में डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। तो ए की जगह यहाँ पर टू दिया था, हम लोग जीरो रख कर देखना चाह रहे थे तो हम लोग ने जीरो रख लिया, और B 4 था, 4 हम लोग ने भी ले लिया, C 2 था और 2 ले लिया, ठीक है। तो अब 0 रखा है A को 0 रखा है, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर में, तो 0 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और 2 ऐसे ही उतारेंगे इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा तो 0 लिखेंगे नहीं, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई हम लोग की, लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके लीनियर इक्वेशन हो गई। एक बार हम लोग फिर से पूरा समझ लेते हैं। अ पॉलिनोमियल विच हैव टू पावर्स आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसमें दो घातें होती हैं उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 7, कंडीशन क्या थी हमारी, पावर्स 2 होनी चाहिए। तो क्या इस इक्वेशन में पावर 2 है, देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, पावर 2 है, तो ये क्या होगी, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, अंडर रूट 3x² माइनस 2x प्लस 4, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। जी हाँ बिल्कुल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि पावर कितनी है इसकी, 2 है, हम लोग पीछे भी देख चुके हैं इसे। 3x² प्लस 4x माइनस अंडर रूट 7, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। जी हाँ बिल्कुल, अभी देखा था हम लोग ने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि कंडीशन फॉलो कर रहा था, पावर्स कितनी होनी चाहिए थी, 2 पावर होनी चाहिए थी, और पावर कितनी है, 2 पावर है। अगला एग्जांपल देखते हैं, 4x प्लस 12
क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है? जी हाँ, बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इसमें पावर कितनी है? सिंगल पावर है। और कंडीशन क्या है हमारी? पावर्स कितनी होनी चाहिए थी? टू पावर होनी चाहिए थी। तो नोट भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। नोट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंट एज पी ऑफ एक्स। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि एक बार 0 रखकर देख लें, क्यों नहीं होना चाहिए भैया, देखते हैं। फिर हम लोग ने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से रिलेट किया, यानी कि कंपेयर किया, तुलना की इनसे, और a को 0 के बराबर रखा, जैसा कि हम लोग चाहते थे। a नॉट इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, a हम लोग 0 रख कर देखना चाहते थे, तो a 0 रख कर देखा, a इज इक्वल टू 0, बी 4 ऐसे ही रखा, c इज इक्वल टू 2। 0 से x को x² को मल्टीप्लाई किया तो 0, प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ना होके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ना होकर लीनियर इक्वेशन हो गई है ना, ठीक है। जिस पर सिंगल पावर होगी वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो चले अब आगे, अगले लेक्चर में हम लोग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, और आगे फिर अगले उससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर विजिटिंग कैन आई टीच यू लर्निंग सेंटर फॉर ऑल। और हाँ, इस पर हम लोग 9 से लेकर 12th तक मैथ और फिजिक्स सभी चीज़ें पढ़ेंगे, और आगे हो सकता है केमिस्ट्री भी पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।